के बारे में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसकी तरफ तवज्जो दीजिए। शुक्रिया। ये जो श्रीनगर की आपने स्पेसिफिक समस्या बताई है इसको मैं स्वयं देखूंगा, लेकिन हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो हमारे सेना के जवान बॉर्डर पर हैं वो अपने परिवार से बात कर सके। इसके लिए बीएसएल ने कई कार्यक्रम चलाए हैं, मैं इसकी स्वयं समीक्षा करूंगा कि और इसको मजबूत किया जाए, लेकिन श्रीनगर का विषय मैं स्वयं देखूंगा। श्रीमती संगीता आजाद, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस 17वीं लोकसभा में प्रथम बार बोलने का मौका दिया, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हमारे क्षेत्र की लालगंज की जनता का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाकर मुझे यहाँ पर भेजा है। माननीय मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में बीएसएनएल की कुल कितनी लैंडलाइन व मोबाइल कनेक्शन वर्तमान में उपलब्ध हैं? यदि इन कनेक्शनों में लगातार गिरावट हुई है तो इस प्रतिस्पर्धा के युग में बीएसएनएल को अपना वजूद कायम रखने के लिए कौन कौन से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं? माननीय मंत्री जी कृपा करके ये बताने का प्रयत्न करें कि किन किन कारणों के चलते बीएसएनएल की सेवाएं शाम होने के बाद से ही बाधित हो जाती हैं, कहीं इनकी सेवाओं को बाधित करने के लिए दूसरी